तो दीपक कलाल के ऊपर वीडियो बनाई है मैंने रोज खास मोनू जी के लिए। मोनू जी देखिए ये वीडियो, और जितने भी मोनू जी की पब्लिक है, सब्सक्राइबर है, ये वीडियो देखे और एंजॉय कीजिए बहुत। हराम साधो, अगर खड़े खड़े तुम्हारी वहां पे बचा के नहीं रखी ना तो मेरा नाम भी बेटी चोर। तो जरा रुको, सबर रखो, मैं बात करता हूँ भाई से। प्लीज मुझे ऐसे बात करो, मैं बात करता हूँ, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मोनू के सपोर्ट में वीडियो बनाई, आगे मुझे नहीं पता क्या होने वाला नहीं होने वाला, पर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए मोनू को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, दीपक दलाल तक पहुंचे। इसको रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, रिस्पेक्टफुली बंदा है ही नहीं, गजब बेइज्जती है। जहां भी जिस भी स्टेट में जाता मार खा के आता, हमारी इंडिया की बेइज्जती करवाता। तुम्हारे जैसे बंदे ना ही पैदा हो तो अच्छे है। हेलो भाई, मतलब क्या है, चुतिया है क्या, छक्का सल्ला चेड़िया चुतिया, समझ रहे हो ना। तू मेरी बात सुन, तू उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? जे मैं तेरे पीछे पड़ गया, बंदा हिमाचल का है, पहाड़ों के अंदर ऐसा ठोकूंगा, ऐसा तोड़ूंगा, ऐसा मरोड़ूंगा ना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। साले साला भी कौन बनाएगा तुझे अपना, तेरे जितने खोपड़ी पे बाल नहीं है ना उतने तो मेरे, समझ रहा है ना। तो बात सुन ले, उसके पीछे मत पड़ो, वो बंदा बहुत सही है, तेरे जैसा बिगड़ा नहीं है, और तू बिगड़ी हुई औलाद, तेरे माँ बाप ने पता नहीं कैसे कश्मीर में पता नहीं कहाँ तुझे उठाया या जन्म दिया है, पर बिल्कुल घटिया बंदा तू बोलता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे मतलब बंदर के पीछे, समझ रहा है ना, वो दिखता है ना वैसे तेरा पूरा दिखता है। और दूसरी बात ध्यान से सुन मेरी, गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह गाली कर गई, मेरी जबान टूट गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हाँ तो तू उसको वीडियो में कुछ बोल रहा था कि मैं घर पे आके मोनू को मारूंगा, कम से कम तू कश्मीर के बार पैर तो रख। तो जिस दिन पैर रखेगा ना, ऊपर तो बाल है नहीं तेरे, अब क्या बोलूं तुझे मैं, 6-5 के आगे 6 आता है पता है, और 7 के नीचे 6 आता है, वो है तू, गजब बेइज्जती है। तेरे ऊपर गुस्सा बहुत आ रहा है पर मैं गाली नहीं दे सकता अभी, पता है। रुको जरा, सबर करो। गाली मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि तेरे जैसे हमारे संस्कार नहीं है, हमारे घर वालों ने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया किससे क्या बात करनी, तेरे जैसा हम हरामी बंदे नहीं है, और हमारे जैसे शरीफ बंदों के साथ तू मुंह लगेगा ना, जब शरीफ बंदे बिगड़ गए ना तो तू कहीं का नहीं रहेगा। और मोनू के सपोर्ट में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मोनू को मैं बहुत पहले से टिकटॉक में फॉलो करता आया हूँ, और तेरा मैं रोस्ट ऐसा करूँगा ना, एक एक चीज़ तेरी ऐसी दिखाऊंगा ना पब्लिक में किसी ने देखी नहीं होगी, सुन लेना मेरी। रुको जरा, अभी बहुत कुछ है आपके लिए, चलो स्टार्ट करते हैं। गया हूँ मैं ये प्यार से, चाहता हूँ कि कोई ऐसा मर्द मिले जो मुझे तहस नहस कर दे, मुझे किसी जाट की जरूरत है जो मुझे बर्बाद कर देगा, मेरा सर्वनाश कर। साले शर्म कर, इतना बड़ा हो गया, 3-4 बच्चों का बाप होता अभी शादी कर लेता, पर शादी की भी ये नहीं की है, शायद बीवी भागी होगी तेरी इन हरकतों की वजह से, जहाँ देखता। मेरा अंत पर देखो। Wait a minute, who are you? वही मुंह मारता, राखी से चपेड़े खाता, उससे ये करता, कहीं भी जगह पे जाके, कश्मीर में तू झील में जो वीडियो बनाता है इसलिए बनाता कि वहां पर तुझे कोई पकड़ ना पाए, जिस दिन तूने पैर बाहर डाला ना उस दिन तुझे कोई भी पकड़ेगा ना, ऐसा ठोकेगा ना, मतलब समझ जा तू मेरी बात क्या हो। सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि मोनू के सपोर्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि पहले किसी ने बनाई या नहीं बनाई, पर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि जो सही बंदे होते हैं उनके लिए भाई खड़ा होता है। दीपक कलाल के जैसे बंदे ना सच्ची में, ये मेरी चप्पल भी, उसकी भी बेइज्जती कर रहा हूँ यार चप्पल की। और मेरी बात सुन ले दीपक कलाल दलाल, तू जो भी है, तुझे मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, अब भी तूने कुछ हरकत की। गाली कैसे दे रहा है तू? भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया, गाली तो मुंह से निकल। मजा आया, और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये तुमने कुछ एक्टिविटी की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, सोच ले बस। तो गाइस वीडियो देख के मजा आया तो पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ना, और ये वीडियो मोनू जी के तक पहुंचा दीजिए, वो भी ये वीडियो देखे और वो भी खुश हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि छोटे भाई ने उनके लिए कुछ किया है। और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लव यू ऑल एंड थैंक यू, बाय बाय।